हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीएसी। आज हम लोग देखेंगे हीट पंप टाइप एयर कंडीशनिंग क्या होता है। हीट पंप टाइप एसी मतलब सिंपली आपने सुना होगा ऑल वेदर एसी, मतलब जो हर मौसम में चलता है। क्या होता है, अगर नॉर्थ में आप इंडिया में अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ पे जो विंटर के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है और समर के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़्यादा रहता है। और तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप एसी खरीदें, अगर वो सिर्फ गर्मी के समय में आपको कूलिंग दे सकता है, अगर ठंडी के समय में गर्मी नहीं हीटिंग नहीं दे सकता तो कुछ मतलब नहीं है। तो वहाँ पे के लिए क्या होता है, और हीट पम्प टाइप एसी यूज, जो ठंडी के समय, अगर विंटर के समय में हीटिंग एज ए हीटर का काम करेगा और गर्मी के समय में एज अ कूलर का काम, मतलब कूलिंग करने का काम करेगा। अगर आप बॉम्बे साइड देखें तो वहाँ पे उतनी ठंडी नहीं होती है, विंटर के टाइम टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ पे जो मॉडल्स यूज करते हैं मोस्टली कूलिंग टाइप मॉडल यूज किया जाता है। बट दिल्ली, यूपी साइड, आप पंजाब साइड देखें, वहाँ पे विंटर के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसा एसी यूज किया जाता है कि जो ठंडे मतलब हीट एज अ हीटर का भी काम कर सकता है। तो जो ऑल वेदर एसी है उसी को हीट पंप टाइप एसी कहते हैं। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल, एक बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कंप्रेसर है, कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट पंप होता है, उसके बाद कंडेंसर के अंदर जाता है, कंडेंसर से एक्सपेंशन वॉल्व में, एक्सपेंशन वॉल्व से इवेपोरेटर। ये एक प्रोसेस है, सिंपल सा साइकिल मैंने जस्ट रिवाइज किया है आपके सामने। कूलिंग टाइप, अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये ऐसा ही रहता है, बट क्या होता है कि हीट पंप के अंदर तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। ये मान लीजिए समर के टाइम अगर कूलिंग करना है तो उस टाइम पे हीट पंप कैसा काम करेगा। सबसे इसके अंदर जो हीट पंप और नॉर्मल एसी के अंदर सब कुछ सेम रहता है, बस इनके अंदर एक अलग एक्स्ट्रा पार्ट आता है, ये लिखा है आरवी, मतलब रिवर्सिंग वॉल्व। ये पार्ट एक एक्स्ट्रा हीट पंप के अंदर डाल दिया जाता है जो साइकिल को चेंज कर देता है। कूलिंग में एक अलग तरीके की साइकिल चलेगी और हीटिंग में एक अलग तरह, मतलब सब साइकिल मतलब पूरी चेंज नहीं होती, बस उसका थोड़ा सा रूट चेंज, जो रूट है रूट चेंज हो जाता है। कंप्रेसर, कंप्रेसर से हीट जो भी गैस है उसको वो पंप करेगा। पंप करने के बाद वो सबसे पहले कंडेंसर के अंदर जाता है, जो नॉर्मल साइकिल हम लोग देखेंगे कंप्रेसर से सीधा कंडेंसर में जाता है, बट यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर से सीधा वो रिवर्सिंग वॉल्व में जा रहा है। रिवर्सिंग वॉल्व के बाद ये कंडेंसर के अंदर जाएगा, कंडेंसर से इवेपोरेटर के अंदर, एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर जाएगा, एक्सपेंशन वॉल्व से इवेपोरेटर में जाएगा, इवेपोरेटर से फिर से वो रिवर्सिंग वॉल्व में जाएगा, रिवर्सिंग वॉल्व से फिर कंप्रेसर में आएगा। तो आप देखेंगे जो नॉर्मल साइकिल है और इस साइकिल में कुछ फर्क नहीं है, बट यहाँ पर रिवर्सिंग वॉल्व कुछ काम नहीं कर रहा है। जैसे नॉर्मल आपका एयर कंडीशनिंग साइकिल काम करता है सेम वैसा ही काम करेगा, बस जो डायरेक्ट था वो रिवर्सिंग वॉल्व के थ्रू होके जाएगा। ये समर में इस तरीके का उसका प्रोसेस होता है। अगर आप विंटर में देखेंगे तो ये प्रोसेस चेंज हो जाता है। आप देखिए समर में कैसा है, विंटर में कैसा है, ये लाइन यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, सॉरी, और समर में देखेंगे ये लाइन यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो इसके अंदर क्या रहता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करता है और वो रिवर्सिंग वॉल्व में जाता है। रिवर्सिंग वॉल्व से देखिए ये जो रेफ्रिजरेंट है वो सीधा यहाँ पे आके वो कंडेंसर में जाने की बजाय इवेपोरेटर, मतलब पूरी साइकिल को रिवर्सिंग वॉल्व चेंज कर दिया। तो ये इवेपोरेटर के अंदर आएगा, इवेपोरेटर से एक्सपेंशन वॉल्व में जाएगा, एक्सपेंशन वॉल्व से कंडेंसर के अंदर जाएगा, कंडेंसर से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर से रिवर्सिंग वॉल्व में जाएगा, रिवर्सिंग वॉल्व के थ्रू कंप्रेसर के अंदर आएगा। आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे चेंज था, पहले कंडेंसर के अंदर जा रहा था, यहाँ पे इवेपोरेटर के अंदर पहले जा रहा है। तो ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि समर के समय हमें क्या ठंडी चाहिए, तो इसके लिए वो हीट, क्योंकि जब कंप्रेसर से निकलेगा तो उसकी हीट बहुत ज्यादा रहती है, वो रिमूव करना पड़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले वो कंडेंसर के अंदर गया। और विंटर के टाइम क्या रहता है, हमको अंदर हीटिंग चाहिए, कूलिंग नहीं चाहिए, तो इसके लिए जो कंप्रेसर है जो हीट रिमूव होती है वो जो हीट रिमूव होती है वो इवेपोरेटर के अंदर, मतलब रूम के अंदर हीट रिमूव होगी ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो सके। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।